हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं साहिबाबाद का RRTS का स्टेशन के उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या कंप्लीट हो गया, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। तो देख सकते हो कि इसके जो टिन सेट बनाया जा रहा था वो तो आधा तो बन के कम्प्लीट हो गया है, आधा बचा है बाकी उधर साइड में बचा हुआ। और अभी इसमें एक्सीलेटर भी लग गए हैं और इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है, इसको दीवार को उठा रही है क्योंकि इसमें एक्सीलेटर लगा है, फिर दीवार को उठाई जा रही है। इधर ये इसके स्टेयर हैं और बीच में आपको बता दें इसके अंदर पेंट का जो काम था वो कर लिया जा चुका है। इसमें ऊपर जो स्क्रीन डोर लगाने का काम है वो चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, ये साहिबाबाद RRTS के स्टेशन पर गई तस्वीरें देख सकते हो, कुछ ऐसा सीन आ रहा है। तो यहाँ के दोस्तों देख सकते हो ये टनल है, ऐसा ये अंदर चली जाती है और ये निकलेगी जाके आपकी आनंद विहार में। इसका ये क्या नाम है, स्टेशन है RRTS का। फिर उसके बाद में आगे जाके न्यू अशोक नगर से पहले इसका जो अंडरग्राउंड टनल है वो वहाँ जाके निकलती है। तो देख सकते हो अभी इसका फ्लोरिंग कर दिया गया है और फ्लोरिंग करके इस पर ट्रैक स्लैब बिछाए जाएंगे और यहाँ से देख सकते हो ये चार पिलर बना दिए हैं। अभी इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बना के फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा वहाँ पर, देख सकते हो। तो वहाँ पर ये सारे काम हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग चुके हैं, पैराफिट वॉल भी लगा दिया जा चुका है। अब उस पर जो लगाना है वो लगानी है रेलिंग, तो रेलिंग का काम अभी बाकी बचा है। तो देख सकते हो किस तरीके से ये ज़मीन के अंदर पिलर को इसमें होल करके डाला जाता है। तो देख सकते हैं ये रिंग है, जो रिंग डाले जाते हैं और ये है टनल का एरिया। तो यहाँ से ये अंदर ही अंदर ये गहरी होती चली जाएगी और ये इसका एक स्टेशन है आनंद विहार के अंदर। तो 6 किलोमीटर की टनल ये है और 6 किलोमीटर की टनल बनाई गई है मेरठ के अंदर दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को केपी संत के द्वारा कैसी लगती है, अच्छी लगती हो फिर भी कमेंट करें और ख़राब लगती हो फिर भी कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हुई हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। देख सकते हो ये टनल की फ्लोरिंग हो चुकी है बाकायदा, अब इस पर ट्रैक स्लैब बिछाए जाएंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। तो चलते हैं उस साइड में, उस साइड का भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको बता दूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है और यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है। तो ये दिल्ली का बॉर्डर है, उधर दिल्ली का बॉर्डर है। देखो कुछ ऐसी बनाई गई है टनल, क्योंकि सामने से सूरज पड़ रहा है तो चमक नहीं रहा। और वहाँ पर देखो वो बनाई जा रही है स्टेयर, यानी कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट के लिए देखो वो वहाँ पर बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी सूरज पड़ रहा है सामने। देख सकते हो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, और वो सामने से एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से ये पिलर स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे चढ़ा दिए जाएंगे या तो इस पर मिट्टी डाली जाएगी, जो भी है शायद ही मिट्टी डाली जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये एलिवेटेड पार्ट है और ये यूपी में स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है ये, आप देख सकते हैं दिल्ली में ये टनल है और यूपी में ये एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है और इस पर रेलिंग अभी लगाई जानी है। तो रेलिंग नहीं लगाई गई है, रेलिंग लगाई जाएगी और इस पर जो खम्भे हैं खम्भों पर लगाया जाएगा ओवरहेड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते चल के साहिबाबाद। तो ये है नज़ारा और ये जो जगह है ये है वैशाली, वो वैशाली का ब्लू लाइन का स्टेशन है उधर सामने। तो उधर धूप पड़ रही है तो चमक नहीं रहा सही से, देख सकते हो इस बोर्ड पर आप लोग देख सकते हो, ये है बोर्ड और ये हमारे गाज़ियाबाद में ही आता है यूपी में लगता है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल के
आ गया दोस्त। Thank you.
एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं दिखाने वाला हूं साहिबाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन के उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या कंप्लीट हो गया, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। तो देख सकते हो कि इसके जो टिन सेट बनाया जा रहा था वो तो आधा तो बन के कम्प्लीट हो गया है, आधा बचा है बाकी उधर साइड में बचा हुआ। और अभी इसमें एक्सीलेटर भी लग गए हैं और इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है, इसको दीवार को उठा रही है क्योंकि इसमें एक्सीलेटर लगा है, फिर दीवार को उठाई जा रही है। इधर ये इसके स्टेयर हैं और बीच में आपको बता दें इसके अंदर पेंट का जो काम था वो कर लिया जा चुका है। इसमें ऊपर जो स्क्रीन डोर लगाने का काम है वो चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, ये साहिबाबाद आरआरटीएस के स्टेशन पर गई तस्वीरें देख सकते हो, कुछ ऐसा सीन आ रहा है। तो यहाँ के सामने पड़ रहा है सूरज, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं चमक रहा है दोस्तों। तो आगे देखो लिफ्ट आपको उधर देखने के लिए मिलेगी, वो उधर लिफ्ट है। तो चलिए आपको वहीं चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये सीन है, देख सकते हैं साहिबाबाद स्टेशन आरआरटीएस। तो अभी टीम लगी हुई है यहाँ पर, वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। इसके जो रूफ़ का काम था वो तो हो चुका है और यहाँ पर लगाई जा रही है लिफ्ट। ये देखो टीम लगी हुई है, वहीं रोकना साइड में। दोस्तों तो ये है सामने लिफ्ट, ये देख सकते हैं ये लिफ्ट अभी लगाई जा रही है, इसको स्टैंड किया जा रहा है यहाँ पर। और इसके जो रूफ़ का काम था वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, ये देखो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तो अभी आपको बता दूँ कि जो इसका जो कौन कौन लेवल का जो इस पर अभी पत्थर लगाया जा रहा है, यानी कि पत्थर लगाया जा रहा है सीढ़ियों पर भी देख सकते हो वो पत्थर लगे हैं। तो अभी सारे पे यही वर्क चल रहा है और ऊपर इस पर प्लेटफॉर्म वाले लेवल पे इस पर स्क्रीन डोर लगाए जा रहे हैं। तो यही वर्क चल रहा है, साइडों में ये है। एक तो उधर है आपको बता दूं एंट्री और एग्जिट बनाने का काम, और देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों पिलर बन गए हैं, इसमें तो कंक्रीट भरी जाएगी इस वाले में। और इधर देख सकते हैं ये भी बन के कम्प्लीट हो गया है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जो मैंने पिछली बार दिखाया था वो थोड़ा सा नीचे था, लेकिन आप देखो कितना ज़्यादा हो गया। तो मैं उस साइड से दिखाता हूँ आप सभी को। एक तो एंट्री एग्जिट पॉइंट उधर बनाया है, एक तो बोरा देख सकते हो उस पर खम्भे लगाए जा रहे हैं अभी इस टाइम पे। और इधर तो बन गया है, इस पर अभी फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा, देख सकते हो ये तो बन के कम्प्लीट हो गया। और इस पर स्टेयर बनाए जा रहे हैं इधर की साइड में। इधर जब मैंने पिछली बार आप सभी को दिखाया था तब इस पर नीचे इसका ग्राउंड लेवल बनाया जा रहा था, तो ये भी बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसको जोड़ दिया जाएगा प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर अभी स्क्रीन डोर लगाने का काम चल रहा है ऊपर, और बीच में पत्थर लगाया जा रहा है, तो यही वर्क चल रहा है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आपको टनल के, टनल पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो और चलते हैं आपको दिखाते हैं चल के वैशाली।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।